ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में हर ओर सियासी पार्टियों में जमकर उठापटक मची हुई है। कहीं कोई किसी का साथ छोड़ रहा है तो कहीं कोई किसी का दामन थाम रहा है और एक नई शुरुआत कर रहा है। खासकर अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के सियासी गलियारों में हर रोज नए गठबंधन की तो कभी किसी के बीच सियासी वार पलटवार की खबरें आम सी हो गई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक नया गठबंधन बनता है। ये गठबंधन होता है अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच। अचानक से दोनों के साथ आई तस्वीर चौंकाने वाली थी। अखिलेश से नाराज चल रही पल्लवी पटेल एक नया रास्ता चुनते हुए असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाती हैं, जिसे नाम दिया जाता है PDM, यानी कि पिछड़ा दलित मुसलमान। ये मोर्चा अखिलेश के PDM को सीधे सीधे चुनौती देता है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सिंबल पर लड़ी पल्लवी पटेल को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें नया मोर्चा बनाना पड़ा। और साथ ही इसका जवाब जब हमने जानने की कोशिश की तो पल्लवी पटेल ने इसका जवाब खुद दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 47 से सपा को 111 तक पहुंचा दिया गया। वोट परसेंटेज की बात करें तो करीब 34% के करीब वो बढ़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य, संजय चौहान सबको नकार दिया। यहां तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम तो गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है, जिसके बाद हम करते तो आखिर क्या करते। इसी के साथ पल्लवी पटेल ने यह भी बताया कि उन्हें PDM बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सुनिए आप भी। देखिए, 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था। और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा PDM और हमने जनभावना को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। तो क्या लग रहा है कि PDM जो है, आप लोग भी जानते हैं, आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि 90% माइनॉरिटी वोट बैंक सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और अब आप खाली नाम बदल के आ रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक है उसको अपने में कैसे करेंगे और क्या जरूरत पड़ी इस एम को ऐड करने की? क्या वहां पे भी मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है? अखिलेश यादव भी दावेदारी कर रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन हो या कोई मामला हो उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी लोगों के लिए पहुंचती है। देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में वो समाज कहाँ जाए? उसके हक और अधिकारों की बात कौन करेगा? तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो उनके हक और अधिकारों पे, उनके दमन पे, उनके साथ हो रहे अन्याय पे हमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। और यही जन भावना हमने लोगों के बीच में रीड करी कि उनके जायज सवालों पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अगर भावना जो जन लोगों की है और वो चाहते हैं कोई उनके लिए आगे बढ़े, तो हमने उन जन भावनाओं का सम्मान किया है और एक नया विकल्प दिया है। और पूरी उम्मीद नहीं, हमें पूरा मतलब विश्वास है इस बात का कि जनता हमारा साथ देगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासत जोरों पर है, नए नए गठबंधन बन रहे हैं और सभी का निशाना सिर पे आगामी लोकसभा चुनाव। देखना होगा कि इस बार कौन जनता का दिल जीतकर बाजी मारता है, क्योंकि हमेशा ये बात कही जाती है कि देश की सत्ता का रास्ता देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। फिलहाल पल्लवी की सियासत की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश जनता पूरी करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हम बता दें कि हमारे साथ कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी दिव्यांशी थी। नमस्कार।